अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आज मैं लेकर आई हूँ आप लोग के लिए फ्रेंच टोस्ट की रेसिपी। तो ये बहुत जल्दी से बन जाता है और उसके लिए चलें नोट कर लेते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी। तो दो ब्रेड के स्लाइस लिए मैंने और बाकी कैस्टर शुगर लिए मैंने और एक अंडा लिया है मैंने और मिल्क लिया है मैंने हाफ कप और इसी के साथ जो है वनीला एसेंस जो है वो लिया है मैंने। तो ये रेसिपी बहुत आसान सी होती है और चाय के साथ खाने के लिए बहुत अच्छी है, तो मैं ये बनाती हूँ कभी कभी, तो मैंने सोचा आप लोग के साथ शेयर करूँ। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बाउल में एक एग ले लेंगे और इसको हम जो है वो बीट कर लेंगे अच्छे से और दो मिनट तक या एक मिनट तक आप इसको थोड़ा सा बीट करें और उसके बाद जो है हम इसमें कैस्टर शुगर जो है वो ऐड करेंगे। तो चलिए अब हम कैस्टर शुगर ऐड करते हैं इसमें। ये मैंने तकरीबन 2.5 टेबल स्पून लेना है, तो मैंने अभी 2 टेबल स्पून ऐड किया है, बाकी हाफ जो है मैं बाद में ऐड करूँगी। तो इसको भी हम अच्छे से बीट कर लेंगे। अब इसमें मिल्क डालेंगे, तो ये मैंने 1/3 कप मिल्क लिया है, तो ये इसको भी हम अच्छे से बीट करेंगे और ताकि जो है ये शुगर वगैरह जो है अच्छे से मिक्स हो जाए। और फिर इसी के साथ हम इसमें वनीला एसेंस जो है वो तकरीबन 1 से 2 ड्रॉप हम ऐड कर देंगे, इससे जो है इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो ये मैंने जो है अच्छे से जो है अब इसको बीट करना है आपको, ताकि जो ये सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाए एग में। और बाकी शुगर मैंने और ऐड की है, लेकिन मैंने जो है आपको यही बताया था, मैंने 2 टेबल स्पून ऐड की थी और हाफ अप की है। तो ये मैं सिर्फ 2 ब्रेड के लिए बना रही हूँ, या 3 ब्रेड भी बन सकती है, और ज़्यादा आपको बढ़ानी हो तो आप फिर और चीज़ें ऐड कर सकते हैं इसमें, 2 अंडे भी ले सकते हैं, बाकी चीज़ें आप बढ़ा दें इसी के साथ साथ। तो इसको अच्छे से हमें जो है जिस तरह मैं बीट कर रही हूँ उस तरह बीट कर लेना है। फिर हमें एक फ्राइंग पैन में लेना है और ऑयल इस तरह से ब्रश की मदद से लगा देना है। और अब हम जो है ये हमारा जो है तेल गर्म हो गया है बिल्कुल। अब हम जो है ये बैटर जो है इसमें ब्रेड डिप करेंगे दोनों साइड से, और मैंने इसको इस तरह से कट कर लिया था, बाकी हम इसको जो है वो ऑयल में डाल देंगे। लेकिन जो है हमारी आंच जो है वो नॉर्मल होनी चाहिए, क्योंकि ये चीनी होती है इसमें तो फ़ौरन से जल सकता है। तो ये मैंने दूसरा स्लाइस भी डाल दिया है इसमें। बाकी अब जो है हम इसको फ्राई करेंगे, तो पहले एक साइड से गोल्डन ब्राउन हो जाए, उसके बाद हम दूसरी साइड चेंज कर लेंगे। तो अब हम जो है इसको चेंज करने लगे हैं, तो आप चेक कर लीजिएगा, लेकिन मुझे तो पता था कि हो गया होगा। देखिए कितना अच्छा कलर आया है इसका, और अगर आपको सही दिख रहा हो तो इसका कलर जो है लाइट ब्राउन सा हो गया है दोनों का। और ये बस अब दूसरी तरफ से फौरन से फ्राई हो जाएंगे, तो हम जो है इसको निकाल लेंगे। ये लीजिए, मैंने जो है ये दोनों जो है निकाल दिए हैं प्लेट में। बाकी जी ये हमारे झटपट से तैयार हो गए हैं। ये छोटी सी रेसिपी थी, देखें कितने सॉफ्ट बने हैं। और ये चाय लीजिए और केक लीजिए और आप इसको एंजॉय कीजिए और खाइए, और इस पर आप हनी डाल लें या आइसक्रीम डाल लें, जैसे खाना चाहें आप खा सकते हैं इसको। और ये जो है बिल्कुल खाने के लिए रेडी है। तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आपको और वीडियोस मेरी मिलती रहें। तो फिर अल्लाह हाफिज़ और बाय।